हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। तो आज दोस्त मैं आपको सिखाऊंगा कि ये होंडा सिटी का जो क्लस्टर मीटर है, इसके अंदर जो लाइटें आती है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि लाइट आने के बाद में हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो आती रहती है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है, तो ये इसके अंदर सारी लाइटें आ गई है। अगर ये लाइट आने के बाद में, ये लाइट है, अगर ये रेड कलर की लाइट आती है, तो आप देखेंगे ये रेड कलर की अगर लाइट आती है तो आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये ब्रेक ऑयल की लाइट है, ऊपर देखेंगे हम, ये देखेंगे ये पावर स्टीयरिंग लाइट है, ये हमारे इंजन ECM की लाइट है, और ये डोर की लाइट है, ये हैंड ब्रेक की लाइट है, ये एयरबैग की लाइट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लस्टर मीटर जो है, इसमें हमारा ये फ्यूल बताता है और ये टेम्परेचर बताता है। ये हमारा घड़ी का सीन है जो हमारा टाइम बताता है, ये हमारा पूरा किलोमीटर बताता है। तो और ये वाला जो है हमारा, जब हमारी गाड़ी चलती है तो इसके स्पीड बताता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही है। दूसरा जो ये है, ये वाला मीटर हमारा जो बताता है, ये एक से लेके जो आपको दिख रहा 5 तक, ये हमारा ना इंजन के RPM बताता है, इंजन कितनी स्पीड से हमारा RPM चल रहा है। तो अब हम देखेंगे, अगर ये लाइट आती है ऑयल की लाइट, तो अगर ऑयल की लाइट आती है तो आपको सबसे पहले इसका इंजन ऑयल चेक करना पड़ेगा। अगर इंजन ऑयल नहीं है तो आपको इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंजन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इंजन ऑयल की लाइट है। और ये क्या करती है, अंदर जो हमारे मूविंग पार्ट होते हैं, जो इंजन हमारा चल रहा होता है, उसको लुब्रिकेशन करने के लिए काम करता है। अगर ये लाइट हमारे, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट हमारी बंद हो जानी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होती तो क्या होगा, या तो हमारी कार के अंदर ऑयल नहीं है, या फिर हमारा ऑयल का सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा है। वो सर्कुलेशन कहाँ कहाँ से काम कर सकता है, जैसे कि हमारा ऑयल पम्प है, या हमारा ऑयल फिल्टर चोक हो गया, या हमारे ऑयल गैलरी चोक हो गई है, उस कंडीशन से ये लाइट आती है, या हमारा ऑयल प्रेशर स्विच खराब हो गया है। तो ये चीज़ को आपको देखना है। अगर ये लाइट नहीं आ रही है तो भी आपको चेक करना है। ये लाइट इग्निशन ऑन में आनी चाहिए, और इग्निशन जब कार स्टार्ट होती है तो ये हमारी बंद हो जानी चाहिए। तो ये ज़रूरी है, अगर ये लाइट अगर आपकी आती है तो आपके इंजन में ऑयल का प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी में ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये RPM मीटर है। ये आप जब मैंने देखा तो हमारा ये RPM मीटर है जो हमारा इंजन का RPM बता रहा है। जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो हमारा RPM मीटर उठता है। तो ये आप देख रहे हैं कि RPM मीटर मेरा उठ रहा है। तो ये हमारा बताता है इंजन कितनी स्पीड से पर मिनट, रनिंग पर मिनट कितनी स्पीड से ये रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जब हम गाड़ी को रन कराते हैं, जब पहिया घूमता है, जब हमारी गाड़ी चलती है, तो ये वाला स्पीडोमीटर घूमता है। अब जो ये देख रहे हैं, ये आपका ये सीट बेल्ट का लाइट है। जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। तो अब मैं आपको बेल्ट लगा के दिखा रहा हूँ, तो ये आपकी लाइट बंद हो जाएगी। तो ये मैंने सीट बेल्ट का बक्का लगा दिया है और ये लाइट गो ऑफ हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट बेल्ट लगाने के बाद में ये लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आपके सीट बेल्ट के बक्कल में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं कि अगर भी और लाइट बताता हूँ, ये वाली लाइट आप देख रहे हैं ये ECM की लाइट है। ये जो ECM, अगर ये लाइट आती है तो क्या होगा दोस्तों, कि आपके ECM सिस्टम में जहाँ भी जितने भी इंजन मैनेजमेंट होता है, ये एक्चुएटर और सेंसर्स के द्वारा काम करता है, जो ECM लगा हुआ है। तो जहाँ से हमारे सेंसर में कोई फॉल्ट आ जाता है या एक्चुएटर में फॉल्ट आ जाता है, तो कार में क्या दिक्कत आना चालू हो जाती है, मिसिंग आना चालू हो जाती है। जैसे कि वो बंद हो गई है, अब देख रहे हैं ये बंद हो जानी चाहिए स्टार्ट के बाद। तो ये चीज़ में क्या होगा कि आपके अंदर कोई न कोई, कार के अंदर ना हमारा कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, इस कंडीशन से ये लाइट आती है। तो दूसरी ये लाइट है जो हम ऊपर देख रहे हैं, वो पावर स्टीयरिंग की लाइट है। अगर वो लाइट आती है तो दोस्तों, तो आपका क्या होगा, पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग में आपके में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग एंगल सेंसर ख़राब है, या टॉर्क सेंसर ख़राब है, या स्टीयरिंग की मोटर ख़राब है, उस कंडीशन से वो लाइट आती है। तो आपको स्टार्ट करते ही आपकी लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती तो आपके स्टीयरिंग में फ्यूज़ की दिक्कत हो सकती है, कपलर की दिक्कत हो सकती है, वो चीज़ की दिक्कत आएगी। दूसरी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आपकी ABS की लाइट है, जो हमारे
जब हमारे व्हील चलते हैं, ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो ये ABS की लाइट है। ABS की लाइट हमारे क्या होते हैं, चारों व्हीलों पे एक सेंसर लगे हुए हैं एक एक, वो हमारे सेंसर की स्पीड को बताते हैं कि कौन सा व्हील कितनी स्पीड पे चल रहा है। तो वो सेंसर अगर हमारा ख़राब होगा तो ये ABS की लाइट आएगी। तो ये क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी कि हमारे सेफ्टी पर्पस होता है। जब हम गाड़ी को ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी हमारी स्क्रीड नहीं करती, तो इस कारण से हमारा ये ABS की लाइट स्टार्ट होते ही चली जानी चाहिए। दूसरी आप देखेंगे लाइट, उसको भी मैं बता देता हूँ, ये हमारे एयरबैग की है। एयरबैग बोले तो हमारे जो सिस्टम में एयरबैग लगा हुआ है उसकी लाइट है। अगर ये लाइट आती है तो हमारा क्या होता है, डैशबोर्ड पे एयरबैग हो गया, स्टेयरिंग पे एयरबैग हो गया, साइड में एयरबैग हो गया, जितने भी एयरबैग होते हैं उनके सेंसरों को ये डिटेक्ट करता है और उनके द्वारा हमारा एयरबैग का जो कंट्रोलर है उसको इन्फॉर्मेशन देता है। उस सेंसर के द्वारा ये एयरबैग की लाइट का हमें पता लगता है। तो ये चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है। अगर ये लाइट आ रही है तो आपको कार को नहीं चलाना है, और आपको जल्दी से जल्दी आपको जो भी कंपनी की है उसके सर्विस सेंटर पे ले जाके इसको डायग्नोस कराइए। उस डायग्नोस से उनको क्या होता है वो फटाक से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से डायग्नोस करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। नहीं तो आपको क्या होगा, अगर आपका एयरबैग काम नहीं कर रहा या ABS काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी स्क्रीड करेगी, आपको पता नहीं लगेगा, आप सोचेंगे लाइट तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।